हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम अपने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की तीसरी कड़ी देखेंगे, जिसमें हम युवा बंगाल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे किस तरीके से ये यंग बंगाल आंदोलन भारत में नई क्रांतिकारी सोच लेके आता है, और उस समय के हिसाब से जिस तरीके से ये लाया गया था, ये प्रारंभ हुआ था आंदोलन, यह काफ़ी आगे की सोच रखने वाला आंदोलन था। क्योंकि उस समय जो रूढ़िवादिता व्याप्त थी पूरे भारत में, उससे हटकर यहाँ विचार दिए गए थे। यानी कि देखा जाए राजा राममोहन राय की जो परंपरा थी, उसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि वो भी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति और अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने भी हमें वही सीख दी है कि किस तरीके से हमें पाश्चात्य सभ्यता से सीख लेनी चाहिए, और हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे आसपास जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो रूढ़िवादी सोच है, उसे दूर करके किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम अपना उन्नयन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख लेंगे। साथ में देखेंगे कि कितना बड़ा इफेक्ट हुआ। वो अलग बात है कि इस आंदोलन को असफल करने में कट्टरवादी जो भारतीय थे, उनका अहम रोल था, जो लोग शुरुआत में ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। क्योंकि जब भी कोई नई विचारधारा आती है, इतनी जल्दी प्रारंभ में वह सफल नहीं होती है, उसका विरोध होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जैसे वक्त बीतता है, लोगों को पसंद आता है, वैसे वैसे वह जो है फिर आगे बढ़ती है। चलिए आज उसी के बारे में हम देखेंगे। हम जानेंगे युवा बंगाल आंदोलन। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं इसके जो संस्थापक हैं, वह हेनरी विवियन डेरोजियो। तो थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। तो जो विवियन डेरोजियो थे, वह भारत में घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे प्रारंभ में, ठीक है। अपने अल्पकाल के जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया है। भारत में घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे, और साथ साथ में ये कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, और पत्रकार भी थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन भी भारत में किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। यही वजह है कि यह समानता, उसके बाद भाईचारा और स्वतंत्रता, इन तीनों स्तंभों पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। साथ साथ में इन्होंने 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया, और वैदिक क्रांति का उसे केंद्र भी बना दिया था। यानी कि पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता का मिक्सअप करके इन्होंने एक नई विचारधारा को क्रिएट करने की कोशिश की थी। साथ साथ में इन्होंने अपने जो छात्र हैं, उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का तो बना ही था, साथ साथ में इन्होंने विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, सत्य की जाँच करने, आज़ादी, प्रेम पूर्वक रहने, ऐसे तमाम विचारों को उनके साथ साझा भी किया और उन्हें बताया भी, ताकि वो उन्हें फॉलो करें और इस आंदोलन को सफल बनाएं और आगे ले जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं युवा बंगाल आंदोलन। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे स्थापना पर, ये कब आया था हिंदुस्तान में, क्योंकि एग्जाम में तो हमें जो प्रश्न पढ़ने हैं वह कभी तारीख में आएंगे, कभी स्थान से आएंगे, कभी संबंधित व्यक्ति। उसके बाद प्रमुख होते हैं इसके उद्देश्य। जब भी कोई पढ़ेंगे हम आंदोलन, सबसे पहले उसकी स्थापना वर्ष, किस स्थान पर हुआ, क्या क्या उसके उद्देश्य थे, किसने किया था, कितना वह सफल रहा, वगैरह वगैरह। और जो उसका शख्स है, यानी कि जो संस्थापक हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। बस यही हमारा क्राइटेरिया होगा पढ़ने का। चलिए देखेंगे हम लोग। तो स्थापना जो वर्ष है इसकी, वह 1828 है, ठीक। अब हम देखेंगे, बताना हमें आप कि इसी सन में भारतीय इतिहास में एक घटना और घटी थी, वह क्या है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद देखेंगे संस्थापक कौन है इसकी। अगर हम संस्थापक की बात करें तो वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो 1831 में इनकी मृत्यु हो गई थी, चलो हैजे से, ध्यान रहे। जगह है इनकी, स्थान है वो है आपका बंगाल। बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र रहा था, ठीक है। प्रभाव किसका था इस पर, वो था मेजनी के यंग इटली आंदोलन का। तो प्रभाव इस पर किसका था, मेजनी की, जस्ट मेजनी के यंग इटली आंदोलन का, उससे यह काफी प्रभावित था। ये हमें इसलिए लिख दिया ताकि पता रहे कि कहां से इसकी सोच है। और चूंकि फ्रांस की क्रांति के जो भी उसके मूल स्तंभ थे, वो हमने यहां पर देखे, इनकी भी बातों में इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी साबित में इसमें किए गए हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके हम देखेंगे उद्देश्य, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, आखिर किस वजह से
एक के बाद एक भारत में कोई ना कोई सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन लगातार आता रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरीके से आर्य समाज ने या फिर ब्रह्म समाज ने उन्होंने अपने अपने उद्देश्य लेकर के आए, ऐसे कुछ उद्देश्य यहाँ पर इनके भी थे। अगर इनके उद्देश्यों की हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने प्रेस की आज़ादी के बारे में कहा था, क्योंकि मैं अभी हाल इसके थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये कवि थे, साथ साथ में ये दार्शनिक भी थे और अच्छे पत्रकार भी थे। तो ये चाहते थे कि प्रेस की आज़ादी पर जो अंकुश था उसे ख़त्म की जाए और प्रेस को और अधिक आज़ाद की जाए, उसे स्वाधीनता प्रदान की जाए ताकि खुलकर विचार प्रस्तुत करें और लोगों तक सच्चाई को पहुंचाया जा सके। क्योंकि जब तक प्रेस पर सेंसरशिप रहेगी हम असल में नहीं जान पाएंगे कि सरकार या आसपास के समाज में या देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, क्योंकि तथ्यों एवं सूचनाओं का दमन कर दिया जाता है इस सेंसरशिप से। तो उसके खिलाफ थे। तो पहला जो इनका उद्देश्य है वह है प्रेस की आज़ादी। ठीक है, दूसरी बात करें उस समय जो है जमींदार थे वह रैयतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, तो उसका भी कारण था कि यह चाहते थे कि इसको भी इसमें इंक्लूड करें इस उद्देश्य को और साथ में उन रैयतों की सुरक्षा की जाए। उस वक्त जो सरकार थी वह करती क्या थी कि वह ऊंचे पदों पर यानी कि जो ऊंचे वेतनमान के पद थे उन पर भारतीयों नियुक्ति नहीं करती थी। तो इनका एक इसमें उद्देश्य ये भी था कि ऊंचे वेतनमान वाले पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाए। तो उसका दूसरा हम पहले देखेंगे वह था जमींदारों से रैयतों की सुरक्षा या जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा। अगर इसके बाद हम देखें तीसरा प्रमुख उद्देश्य है तो वह था ऊंचे वेतनमान वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य हो गए। तो पहले हमने इसका स्थापना वर्ष, संस्थापक, स्थान, उसके पास किसका प्रभाव था और फिर उद्देश्य वो हमने जान लिया। अगर हम यहाँ पर देख लें तो साथ में मैं लिख दूंगा ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। ठीक है मित्र, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित, ताकि हमें पता रहे कि भारत में जो विभिन्न विचारधाराएँ हैं जो आई हैं उनका उद्गम और उनका स्रोत कहाँ कहाँ से रहा है, वो हमें थोड़ा पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम इनके देखते हैं कि भारत में आने के बाद इन्होंने और क्या क्या किया था। तो अभी मैंने कहा कि ये क्या पत्रकार भी थे, तो ईस्ट इंडिया जो समाचार पत्र था उसके ये पत्रकार भी थे, संपादन किया है उन्होंने। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया समाचार पत्र के संपादक। ठीक है, कौन थे आपके? हेनरी विबियन डेरोजियो। याद रखना यहाँ पर जो भी किसी संस्था की बात या किसी क्लब की बात या किसी समूह के गठन की बात की जाएगी, पत्र की बात की जाएगी या पदवी की बात की जाएगी, यानी किसने क्या कहा, वह सब संबंधित होगा हेनरी विबियन डेरोजियो से। ठीक है, इन्होंने अपने छात्रों को शिक्षा क्या दी, अगर हम इनकी बात करें इनकी शिक्षाओं की इनकी बात हम करें तो वो पहला है विवेकपूर्ण सोच, विवेकपूर्ण सोच। दूसरे की हम बात करें तो वह है सत्य की प्रमाणिक जांच। इन्होंने कहा तब तक प्रमाणिक जांच ना कर लो तब तक आगे नहीं बढ़ना है, सत्य की प्रमाणिक जांच। और तीसरा इन्होंने जो दिया था वह था प्रेम वा मुक्त वार्तालाप। वार्तालाप से मतलब यहाँ पर विचारों से है। वो कहते थे कि ऐसी बात करो ताकि लोगों में विद्रोह ना हो, प्रेम सौहार्द बना रहे, और मुक्त का मतलब है बिल्कुल आज़ाद सोच के साथ आप बात करें, अपने विचारों को रखें। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षाएँ थीं जिन्होंने अपने छात्रों को प्रदान की थी। ठीक है, तो ये अभी हुआ इतना। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से जो संस्थाएं हैं या जो गठन हैं उनका गठन किया था व्यवस्थाओं का, वो देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
स्क्रीनशॉट। हाँ चलो चलिए अब आगे देखें। डेरोजियो ने जो है 1817 में जो स्थापित हिंदू कॉलेज था उसमें अध्यापन कार्य भी किया था और उसे वैदिक क्रांति का केंद्र बनाया था। तो ये बात मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, बोर्ड पर नोट नहीं करूँगा, बस केवल एक फैक्ट था जो आपको याद रखना होगा बस। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या और जो व्यवस्थाएँ थी उनको देखा और कौन कौन से संगठनों का गठन किया था। तो सबसे पहला है वो है बंग हित सभा, बंग हित सभा। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो वह है डिबेटिंग क्लब। एग्जाम में बहुत आते हैं पूछने के लिए, मिलान के लिए आ सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। एंग्लो हिंदू एसोसिएशन, ठीक है। और एक और है सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पर इंक्लूड किए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। कौन कौन से? बंगित सभा, डिबेटिंग क्लब और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। साथ साथ में एक और है एकेडमिक एसोसिएशन, तो वो आप ध्यान रखेंगे, एकेडमिक एसोसिएशन और साथ साथ में सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो जो तीन प्रमुख थे उनको मैंने यहाँ पर लिखा है और दो हैं वो मैंने बता दिए, खाली आप नोट कर लीजिए और उनको भी लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनके बारे में देखिए क्या कहा गया है, इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहकर के संबोधित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आता है किसे कहा गया है तो वहां पर आप टिक करेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो को। तो इन्हें क्या कहा गया है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, क्योंकि ये कवि भी थे, राष्ट्रवादी कवि कहा गया है इनको, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़े शख्स हुए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने तो इन्हें डेरोजियो महोदय को हमारी जाति का पिता और बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनके लिए जो कहा है वो और सुन लेते हैं हम लोग। और देखिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि बनर्जी जी का नाम यहाँ जुड़ गया है, तो वो पूछ सकते हैं कि इन्होंने इनके लिए क्या कहा है। तो वो है इन्होंने जो कहा था, क्या पहला देखते हैं हम लोग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में यही आता है, हमारी जाति के पिता। और जो दूसरा है उसकी हम बात करें तो इन्होंने बंगाल में कहा था, बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, जुड़ा जरूर गलत नहीं, बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत। जैसे कि मैंने बताया था कि यह पाश्चात्य सभ्यता और ज्ञान से काफी प्रभावित था, लेकिन जो कट्टरवादी हिंदू थे या कट्टरवादी भारतीय थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। वह नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से जो उन्नयन है वह हाल फिलहाल में हो, क्योंकि इतनी जल्दी किसी नई मान्यता को जो है एक्सेप्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। आप दुनिया में किसी भी घटना को देख लीजिए, शुरुआत में जब वो आई होगी नई विचारधारा उसका विरोध बड़े आयाम पर हुआ होगा और बाद में वही लोगों को रास आई है और उन्हें हंस के उसे स्वीकार किया है। तो हर एक नई सोच को स्वीकार करने में समय तो लगता ही है, ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद ये बंगाल में हिट होता है और इसी की तर्ज पर, और मुंबई में हुआ था और मद्रास में भी हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि युवा बंगाल आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था तो आप बताएंगे हिंदू कॉलेज, ठीक है। हिंदू कॉलेज इस युवा बंगाल आंदोलन का प्रमुख केंद्र था और इसी की तर्ज पर जो मुंबई इनकी तत्कालीन समय का बम्बई, वहाँ के स्टूडेंट्स ने, वहाँ के युवाओं ने मिलकर के एलफिंस्टन कॉलेज में युवा या यंग बॉम्बे नामक आंदोलन को
चलाया था। तो अगर हम बात करें युवा बंगाल या यंग बंगाल आंदोलन की, तो जहां इसका केंद्र हिंदू कॉलेज था, तो वहीं मुंबई में देखें, बंबई में देखें, तो वो जो है एल्फिंस्टन कॉलेज था यंग बॉम्बे आंदोलन का। ऐसे ही मिलता जुलता एक और आंदोलन यंग मद्रास, मद्रास चलाया गया था। यानी कि हम देखेंगे उस समय की जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास और साथ साथ में बंबई, इन तीनों जगह पर ऐसे यंग मूवमेंट चलाए गए हैं, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बॉम्बे मूवमेंट एंड यंग मद्रास मूवमेंट। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतना ही, और साथ में इसको भी आप नोट करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई टॉपिक क्लियर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप हमारे साथ रहेंगे, लगातार मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ते रहेंगे, वीडियो अच्छी लगती रहे तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।